मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के मौजूदगी में सदर अस्पताल मुख्य मार्ग से अतिक्रमण को खाली कराया गया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण करने वाले को हिदायत दी गई, अगर पुनः अतिक्रमण व खाली जगहों पर दुकानें लगी तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। विदित हो कि सदर अस्पताल के पास की सड़कों पर आवागमन में समस्या हो रही थी। नाला के जाम कर दिए जाने की शिकायत पर सदर SDM अश्विनी कुमार ने अतिक्रमण को खाली कराया। उन्होंने विशेष अभियान चलाकर मुख्य सड़क से सदर अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार तक जमे अतिक्रमणकारियों को हटा दिया। यहां से लगभग एक माह पहले सभी अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन फिर दोबारा से यहां गेट और आसपास के एरिया में गुमटी व दुकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे हर दिन आने जाने में समस्याएं हो रही थी। जिसे देखते हुए सोमवार को JCB के साथ पहुंचे SDM श्री कुमार ने सभी अतिक्रमण को खाली करा दिया। वही इन अतिक्रमण करने वाले को उन्होंने हिदायत दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण हुआ तो जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सदर SDO अश्विनी कुमार खुद अतिक्रमण स्थल पर पहुंचकर सदर अस्पताल चौक से सिविल सर्जन कार्यालय तक सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमित जमीन को JCB के सहयोग से खाली करा लिया। इस अभियान में नाले के ऊपर बने सभी फुटपाथी दुकानों को हटा दिया गया। इस दौरान नगर निगम और सदर अस्पताल के भी अधिकारी मौजूद रहे। सदर SDO ने बताया कि अस्पताल जाने वाली दोनों तरफ की सड़कों को इससे पहले भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन दोबारा वहां पर दुकानें खड़ी कर दी गई। ऐसे में मंगलवार को अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों तरफ बनी अवैध दुकानों को JCB के माध्यम से हटाया गया। इस दौरान वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। जैसे ही JCB से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, आगे से दुकानदार खुद ब खुद अपने सामान वहां से लेकर खाली करने में जुट गए। सदर SDO अश्विनी कुमार ने हिदायत दी कि अगर फिर से यहां अतिक्रमण किया गया तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सकरा है और ये जो लोग लगा देते हैं दुकान वगैरह, कच्चा जो दुकान ये सब लगाया हुआ है, उससे एम्बुलेंस हो या हॉस्पिटल में जाने वाले प्रसूति महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होता है जो इमरजेंसी केसेस में हो। तो सिविल सर्जन के माध्यम से रिक्वेस्ट गया था कि हटवा दीजिए। आज हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट सूचना उचना करवा दिए थे, अनाउंसिंग भी करवा दिए थे और फोर्स मजिस्ट्रेट नियुक्त करके अभी हटवा दे रहे हैं। और जगहों पर जो माध्यम से हम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जाने का रास्ता है, यहाँ पे अतिक्रमण ना करें, क्योंकि आप ही के भाई बहन बेटे बेटियाँ कभी फंसेंगे तो उनको बड़ा दिक्कत होगा। आप अपने माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है प्रचारित करवाइए। ये सर अभी लगातार चलेगा और जगह बाकी जगह चल ही रहा है, हम लोग लगातार चला ही रहे। शहर में देखे पूरा शहर चलवाया सर, आप लोग कितना बढ़िया लग रहा है अब, ठीक ना? ठीक, लगातार चलवाएंगे। ठीक है, प्रणाम। सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।